जहां प्रदेश में राजस्थान सरकार ने रेड अलर्ट अनुशासन पखवाड़ा लगाया हुआ है, वहीं चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो इन आदेशों और नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। बता दें कि जहां जिला प्रशासन भी कोरोना रोकथाम को लेकर हर संभव प्रयास कर रहा है, वहीं रोडवेज में कोरोना गाइडलाइन की पालना होती नजर नहीं आ रही। चित्तौड़गढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर एक बस का निरीक्षण किया गया, जिसमें सामने आया कि इस बस ने क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी। सीटों पर बैठे हुए यात्रियों के अलावा भी पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। कई सवारियां बस में खड़ी दिखी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही थी। अब सवाल यह उठता है कि जहां लोग आज भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खुद सरकारी महकमे ही सरकारी गाइडलाइन की युद्धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो कोरोना महामारी को कैसे रोका जा सकेगा। अब देखना यह है कि ऐसी लापरवाहियों पर जिला प्रशासन किस प्रकार संज्ञान लेता है, ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।